हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन तारिक शाह साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपका कि आपने हमें वक्त किया। सबसे पहले बताइएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ये टाइम सबसे ज़्यादा डिफरेंट है, हमारी भी चीज़ें वो नहीं रहीं जो कि आज से 2 साल पहले हुआ करती थी, तो ये जो हमारा तालीमी निज़ाम है वो समहाउ कोप अप नहीं कर पाया डिजिटल लर्निंग के प्रोसेस को लेके। बच्चे बैठते तो थे 8-8 घंटे, लेकिन वो लर्निंग उनकी वैसे नहीं हो सकी जो कि स्कूल में होती है। क्या कहेंगे इस पर आप? जी जनाब, देखें बिल्कुल आपकी बात सही है, और बड़ी मुझे खुशी हो कह सकता हूँ मैं कि आप सोशल कम्युनिटी जो है वो इस बारे में अब सोच रही है कि तालीमी सिलसिला जो है जो डिस्टर्ब हुआ है इसके बारे में भी अब कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम तो 2 सालों से कह लें या 1.5 सालों से कह लें इसको कहते रहे हैं कि तालीमी इदारों को मुस्तकिल तौर पर खोला रखा जाए, और चूँकि जहाँ तमाम SOPs फॉलो करवाए जा रहे हैं वहाँ पर तो कोई रिस्ट्रिक्शन होने ही नहीं चाहिए। और जबकि तालीम देखें, जहाँ बिजनेस हम कहते हैं कि किसी भी मईशत के लिए बिजनेस बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर मार्केट खुली होनी चाहिए ताकि मईशत चलती रहे, तो हम लॉन्ग रन में अपने मुल्क को कैसे चलाएंगे जब हमने 2 साल तक अपने बच्चों को प्रॉपरली नहीं पढ़ाया। और ये हम खुद भी बहुत बेहतर समझते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन तो नाकाम हमारे मुल्क में रही है, उसकी वजूहत बहुत सारी रही हैं, जो कि हमारे यहाँ बिजली नहीं होती, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, अच्छा इंटरनेट तक नहीं है जहाँ पर। बट देयर हैज टू बी अ मिडिल ग्राउंड, क्योंकि आप जो SOPs को फॉलो करने की बात कर रहे हैं ये वही लोग हम में से ही हैं जो कि मार्केटों में SOPs फॉलो नहीं करते, ट्रैवल करते हुए SOPs फॉलो नहीं करते, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि हमारे बच्चे उस तरह से स्कूल में जाके इतने कम डिस्टेंस पे बैठ के साथ घूम के फिर के वो SOPs को फॉलो करें, खाते पीते उस पे बैठते हैं, और एक टीचर की जिम्मेदारी होती है कि वो SOPs फॉलो करे, मुमकिन नहीं फॉलो कर सके। SOPs को ऐसा बनाया गया है कि हर कोई फॉलो कर सके, 50% स्ट्रेंथ जो है वो स्कूल में आती है, उसके साथ साथ बच्चे 3 फीट के फासलों पर डेस्क लगाई गई है क्लासेस के अंदर के बच्चे बैठ जाते हैं। सेकंड चीज, ग्राउंड के अंदर जो बच्चों की असेंबलीज होती थी, ब्रेक टाइम होता था, इवन प्ले जो पीरियड्स होते थे उन सब को खत्म कर दिया गया है इन पूरे पीरियड के अंदर, ताकि बच्चों का इंटरेक्शन कम से कम हो, ताकि सिर्फ उस क्लासरूम की हद तक बच्चों का इंटरेक्शन हो, उससे ज्यादा इंटरेक्शन ना हो। क्योंकि देखिए आप ये खुद सोचें कि अगर हम बच्चों को आज अच्छी तालीम नहीं दे पा रहे या बच्चों को तालीम ही नहीं दे पा रहे तो ये बच्चे कैसे होंगे? पिछले साल आपने विदाउट एग्जाम प्रमोट कर दिया, वो भी एक डिजास्टर था कि बच्चों को विदाउट हमने जज के बगैर कि उनकी कितनी कैपेबिलिटीज हमने नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अगर वो वैसा ना किया जाता तो अभी जैसे देखे ना, ओ लेवल्स और ए लेवल्स के जब एग्जाम्स हो रहे थे तो उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से पेरेंट्स बाहर आए, और फिर समहाउ NCUC को एक मुश्किल डिसीजन लेना पड़ा, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं जी अभी नहीं, जितने भी एग्जाम्स होंगे वो मिड ऑफ जून के बाद होंगे। सो तब भी ऐसा हो सकता था, क्योंकि तभी केसेस जो थे वो काफ़ी बड़े थे। आपने बोला कि ऑनलाइन एजुकेशन का जो सिस्टम है समहाउ वो फेल हो गया है, जबकि बच्चे जो हैं वो तो उनके माँ बाप पूरी फीस भी अदा करते रहे, तो ये तो बड़ी हौसला शिकन वाली बात होगी उनके लिए। कितना पैसा भी दिया, लर्न भी कुछ नहीं किया। जो मैंने फेल की बात की है वो तालीमी इदारों की तरफ से फेल नहीं हुए। मैंने आपको बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो है हमारे यहाँ फुकदान है, अच्छा इंटरनेट लोगों के पास नहीं है, अच्छे गैजेट्स लोगों के पास नहीं है। अगर स्कूल महंगे से महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी कर देता है तो फिर बात आती है पेरेंट्स की। और मैं आपको यहाँ भी एक हाईलाइट करता चलूँ कि हमारे मुल्क में अलमिया ये भी है कि बहुत सारे पेरेंट, मेजोरिटी पेरेंट जो है वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते कि बच्चों को पढ़ा सके। ऐसा है, लेकिन बाज़ औक़ात वो ये अज़्म रखते हैं कि हम नहीं पढ़ सके, कम से कम हमारी औलाद पढ़ जाए। अच्छा एक चीज बताइएगा तारिक साहब, जाहिर है कि ये जो फाइनेंशियल क्रंच, इसका एक एस्पेक्ट ये भी है फाइनेंशियल क्रंच, जिसकी वजह से वालिदैन भी परेशान हुए कि जनाब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, नौकरियां हमारी खत्म हो रही हैं, हम उनकी पूरी फीस कैसे दें, तो शुरू में कंसेशन दिया गया था। दूसरा ये है कि आपने तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपये फी बच्चे के ऊपर आपने महज इंटरनेट की मद में खर्च करने के, जनाब उसकी ऑनलाइन क्लासेस होती रहें, फिर वो आपके स्कूल की फ़ी भी दे रहे हैं क्योंकि उसके अंदर कोई डिस्काउंट नहीं है, तो आपने सोचा है कि कोई ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाए कि उनके ऊपर भी बोझ ना आए, आपके ऊपर भी बोझ ना हो और सिलसिला चले, अगर ऑनलाइन एजुकेशन कोई प्रमोट करना है तो? जी बिल्कुल, देखिए हमने इसको तो बारहा अपील भी की है गवर्नमेंट से कि देखें जहाँ देखें स्कूल विदाउट एनी फी चल नहीं सकता, और पेरेंट अगर उनका बिजनेस मुतासर हो रहा है तो फी पे नहीं कर पा रहे, तो इस सिनेरियो के अंदर गवर्नमेंट को स्टेप अप करना चाहिए था। और मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट जो है वो माँ बाप को पैसे दे, गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती कि जो इंटरनेट पैकेजेस हैं कंपनीज जो दे रही हैं वो स्टूडेंट पैकेज लॉन्च करें ताकि कम से कम रेट पर बच्चे जो है वो पढ़ सकें। सेकेंड, गैजेट्स जो होते हैं, लैपटॉप हो गए, मोबाइल हो गए, या जो उन पे सब्सिडी दी जाती ताकि जो बाहर से इंपोर्ट होके आ रहे हैं उस पे ड्यूटीज खत्म कर दी जाती, ताकि इनफैक्ट हमने ये देखा कि क्योंकि इनकी मांग बढ़ गई और ये जो गैजेट्स हैं इनकी प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गई, और फिर पेरेंट्स के लिए भी ये उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था वो किस तरीके से अफोर्ड करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, तारिक शाह हमारे साथ मौजूद थे।